सवाल सुनिए, तो आप ये कह रहे हैं कि आपको वोट पड़ेगा या आप ये कह रहे हैं कि समाजवादी कांग्रेस को वोट डालेंगे नहीं, आप क्या कह रहे हैं? देखिए, कांग्रेस तो यहां पर है ही नहीं, उसका तो पहले ही राम नाम सत्य हो गया है, क्योंकि भगवान श्री राम अपने उस स्थान पर विराजमान हो गए हैं, तो अब चारों तरफ भगवा में वातावरण है और समाजवादी के लोग खुद आपस में लड़ रहे हैं और वो हमसे आकर के कह रहे हैं कि हम भी वोट आप ही को डालने वाले हैं। तो ये सभी भारतीय जनता पार्टी को कमल के सामने बटन दबाने वाले हैं। आप कह रहे हैं कांग्रेस यहां पर है, बहुमत के साथ, आपने जैसे कहा कांग्रेस यहां पर नहीं है, कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ आशिम हुसैन आ गए हमारे साथ, निकालने पड़ रहे हैं, वो पीछे से धक्का दे करके लेकर आए कि खड़े तो हो जाओ, हिम्मत नहीं पड़ रही है, खड़े होने की हिम्मत नहीं पड़ रही। आशिम हुसैन भाई ये कह रहे हैं कि यहाँ कांग्रेस ढूंढे नहीं मिल रही, वो कह रहे हैं, और सुनिए, कांग्रेस ने नक्सलियों के साथ मुठभेड़ पर जो सवाल उठाया, आप सही मानते हैं इसको, नक्सलियों को शहीद कहना? देखिए, नक्सलियों को ऊपर करिए यहाँ से। ये जो भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है, उसका मामला सिर्फ देश को बांटने का है, गंदी राजनीति करने का है। ये भाई साहब जो खड़े हैं हमारे विधायक जी, अगर कोई यहाँ गजरौला में, इसमें बीजेपी कहाँ से आ गई? बीजेपी सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ होता है और आप कहते हैं नक्सली शहीद? ये वही पार्टी है जो एनकाउंटर करवाती है, उसके लिए तो कोई कुछ नहीं कहता। कौन सा एनकाउंटर? ये वही पार्टी है जो लोगों को, जो ठीक है, जो कहा अतीक को मारा वो ठीक किया, ये उसको भुनाने का काम करते हैं। ये कहते हैं कि हमने अतीक को ठोक दिया, हमने फलाने को ठोक दिया, हमने ढिमके को ठोक दिया। अरे आप लोगों को बोलना आना चाहिए, अतीक का मामला ठीक किया ना, बोलना नहीं आता। आपने बोला ठीक किया ना, हम कह रहे ठीक किया, तो आप कौन होते हो? अरे हम ठीक ही करते हैं, हमारा काम ठीक करने का है। आप लोग ये कहने वाले कौन होते हो? हम लोगों ने उसे ठोक दिया, हम ठीक ही कर रहे हैं। संविधान ठोकता है, यही तो सबका संविधान ठोकता है, और संविधान के संविधान के चलोगे नाम निशान मिट जाएगा। अभी आपने बोला, एक मिनट सर मैं आ रहा हूँ, आशिम हुसैन मुझे ये बताइए, कांग्रेस पार्टी क्या ये कह रही है कि जो नक्सली मारे गए वो शहीद हैं? इसमें दाएं बाएं मत जाइएगा। कांग्रेस पार्टी जो कह रही है वो कहीं खड़े होकर कह रही होगी। वो नक्सली जो हैं वो क्या इस देश के नहीं है? ये तो हर चीज को ठोकने का, गुंडागर्दी करने वाला गुंडागर्दी करेगा, आतंकवाद फैलाएगा, सरकार उसको जवाब नहीं देगी, आप लोग सरकार उसको जवाब नहीं देगी। क्या सरकार, क्या ऐसे गलत लोगों को समाज जवाब देने के नहीं है? क्या समाज में रहने का अधिकार है गलत लोगों को? कौन होते हो? भारतीय जनता पार्टी सरकार सुशासन लेकर आएगी, गुंडागर्दी नहीं करने देंगे, किसने हक दे दिया? ऊपर नहीं करने देंगे, आशिम हुसैन साहब, तो भूपेश बघेल की सरकार में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं होते थे क्या? ऑपरेशन हुए, हमने किए, और ये तो क्यों करते थे? हमने तो ये आप क्यों पूछ रहे हैं? गोली चलाने का हक किसने दिया? इंदिरा गांधी जी ने 72 में पाकिस्तान की कमर तोड़ दी, दो टुकड़े किए हमारी 71 में जी 71 में दो टुकड़े किए पाकिस्तान के। हाँ। ये क्या करेंगे? ये नकली जगह बंद। तो फिर वही पार्टी आज हमने स्ट्राइक कर दी, वही पार्टी नक्सलियों को शहीद क्यों कह रही है? वो पार्टी कह रही है जिनका घुमा फिरा के बात कर रहे हैं, इनकी संस्कृति है दो विधान, दो संविधान। मैं जरा लोगों से पूछता हूँ भैया, ये बताइए कांग्रेस पार्टी के नक्सलियों को शहीद बोलने का कोई समर्थन करता है? हाथ उठाइए, कोई करता है समर्थन नक्सलियों को शहीद बोलने का? कोई बोलता है? हाँ, हाथ उठाइए। और विरोध कौन कौन करता है? विरोध कौन कौन करता है? अब देखिए, आशिम हुसैन साहब, एक आदमी नहीं है जो शहीद कहने का समर्थन करता है। मैंने यही कहा कि इनके वाले भी भाजपा को वोट देंगे, कमल का समाजवादी पार्टी के लोग भी बैठे हैं, वो भी समर्थन नहीं कर रहे हैं इसका। आप जरा यहाँ से कोई कुछ बोलेगा, 700 किसान शहीद हुए हैं, आप क्या कह रहे हैं? उनको शहीद कहा जाएगा या उनको क्या कहा जाएगा? रुकिए, सही, जो 700 किसानों को मारा है भारतीय जनता पार्टी ने कार से रोंद रोंद के, शहीद जो बता रहे हैं कि शहीद किया गया है, तो ये उनकी मानसिकता है, कांग्रेस की मानसिकता थोड़ी है या किसी पार्टी की मानसिकता रूढ़ी है? अरे उसी पार्टी की आधिकारिक राष्ट्रीय मीडिया इंचार्ज बोल रही है, उसकी जांच होगी, जांच में पता चलेगा। तो आप क्या कह रहे हैं? अब तो यही कह रहे हैं कि जो भी चल रहा है, मतलब सुरक्षा बलों पर भी सवाल उठा दो, सेना पर भी सवाल उठा दो। सेना पर सवाल नहीं उठा सकते, और किस पर सवाल है? वो उनकी जांच का विषय है, जांच कराओ, अगर इसमें आप दोषी पाए जा रहे हैं तो उन पर कार्रवाई। और कोई कुछ बोलेगा इधर से? बोलिए बोलिए भैया, क्या कहना चाह रहे हैं बताइए, आप कांग्रेस पार्टी से हैं बताइए। जो व्यक्ति संविधान में विलीन नहीं करता, जो संविधान खत्म करना चाह रहे हैं, तो इन्हें नक्सलवादियों से क्या लेना देना? नक्सलवादियों की जांच होनी चाहिए, हो सकता है वो लोग निर्दोष हों, नक्सलवादी बनाने का काम भी इनका ही है।
और हकीकत में। अरे भैया आपकी सरकार में भी सुरक्षा बल उनको मारते थे, तब आप लोग कुछ क्या नहीं करते थे क्या? हमने भूपेश बघेल जी की सरकार में नहीं हुआ, नक्सलवादियों को मारा है, नक्सलवादी बनाया नहीं है। ये कह रहे हैं नक्सलवादी मारा है, नक्सल बनाया नहीं है। कोई कुछ इधर जवाब देना चाहेगा बीजेपी की तरफ? अच्छा इधर बताइए भैया, इस देश के अंदर जो भी बदमाश है वो चाहे हिंदू है या मुसलमान है, उसकी जगह सिर्फ राम नाम सत्य है, बस। वो कोई नक्सलाइट हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, बनिया हो, ब्राह्मण हो, जो बदमाशी करेगा समाज के खिलाफ गलत व्यवहार करेगा और जो बदमाशी दिखाएगा उसका यही असर होगा। अच्छा रामनवमी पर, रामनवमी पर मुर्शिदाबाद में पश्चिम बंगाल में फिर हंगामा हुआ, इस पर कोई कुछ कहना चाहेगा? ये बताइए जरा मनोज सचिन, ये बताइए रामनवमी पर दंगा 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 कर रही थी, क्योंकि इंडिया ब्लॉक में है, इंडिया ब्लॉक में आप भी हैं, ममता दीदी इंडिया ब्लॉक में है, और हो गया दंगा मुर्शिदाबाद में, हिंसा हो गई, उत्तर प्रदेश में तो नहीं हुआ? देश मुद्दों पर चुनाव, देश मुद्दों पर चुनाव लड़ रहा है, देश मुद्दों पर चुनाव लड़ेगा। गृह मंत्रालय की फाइलों में आग लग रही है, समझ लो लंका जलने वाली है।